एग्रीकल्चर आज के टॉपिक में हम मशरूम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मशरूम फैमिली का सबसे पहले क्या देखते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। क्या देखते हैं? सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्ग अगर स्थिति देखते हैं तो जो डिवीजन होता है वो किसमें आता है, यू माइकोटा में आएगा। किसमें आएगा? यू माइकोटा में। डिवीजन आएगा आपका बेसिडियो माइकोटीना, क्लास आएगा हेमिनोमाइसिड्स, ऑर्डर आएगा एग्रीकल्स, फैमिली आएगी एग्रीकेसी और जीनस आएगा एग्रीकल्स। ठीक है, जीनस क्या आएगा आपका एग्रीकल्स। तो इस एग्रीकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहाँ मिलता है, ठीक है, इसका हैबिटेट क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, ये कहाँ निवास करते हैं आपके जो मशरूम फैमिली है। सबसे पहले ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब जो आपके सड़े गड़े पदार्थ में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। तो ये वुड स्लॉग्स होते हैं। वुड स्लॉग्स मतलब आपके इसमें पाए जाएंगे जो लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी के लट्ठे में आपके अगर कहीं पर रखते हैं लकड़ी के लट्ठे तो उसके किनारे किनारे आपके जो मशरूम फैमिली ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें 25 तरह के क्या 25 टाइप के जो है आपके इंडिया में प्रेजेंट होते हैं स्पीसीज एग्रीकल्स के। तो फर्स्ट है आपका एग्रीकल्स कंपेस्ट्रिस, एग्रीकल्स राइमोफिलस और एग्रीकल्स नेक्रोफिलस और एग्रीकल्स डायरोस्पोरस टाइप के जो इंडिया में प्रेजेंट होते हैं आपके मशरूम। ठीक है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं कि तो इसमें फर्स्ट है जो प्राइमरी माइसीलियम। क्या है? प्राइमरी माइसीलियम। ठीक है, तो प्राइमरी माइसीलियम में देखो ये जर्मिनेशन किसके होता है, किसके द्वारा होता है? बैसिलियो स्पोर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैसिलियो स्पोर के द्वारा जर्मिनेशन करेगा। और ये कैसे रहेंगे? सेक्शन रहेंगे और मोनोकैरियोटिक रहेंगे। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये माइसीलिया है आपका और इसमें क्या रहेगा? सेप्टेट रहेंगे और एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा इसमें, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा इसमें, मोनोकैरियोटिक हाइफा बोलेंगे। तो ये प्राइमरी माइसीलियम हो गया। दूसरा है सेकेंडरी माइसीलियम। तो सेकेंडरी माइसीलियम में टू माइसीलियम, ठीक है, टू न्यूक्लियाई, ठीक है, प्राइमरी का दो न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा? टू प्राइमरी माइसीलियम अब अपोजिट स्टैंड, मतलब मान लो ये माइनस है ये प्लस है, आपस में जुड़कर दो न्यूक्लियाई बना लेते हैं, तो उसी को भी बोलते हैं डाइकैरियोटिक हाइफा, मतलब दो न्यूक्लियस वाले हाइफा। तो ये सेकेंडरी माइसीलियम हो गया। ठीक है, आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जो फ्रूटी बॉडी है वो बेसिडियो पार्ट के एरियल पार्ट में एग्रीकस होता है। ठीक है, बेसिडियो पार्ट, जो बेसिडियो पार्ट होता है वो ये होता है आपका, आपका ये देखो ये मशरूम है आपका, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। उसके एरियल पार्ट में एग्रीकस प्रेजेंट रहते हैं और डेवलप फ्रॉम द राइजोमॉर्फ। किसे डेवलप करता है? राइजोमॉर्फ। अब इसका जो रिप्रोडक्शन देखते हैं, प्रजनन देखते हैं, किसके द्वारा होता है? दो तरीके से होता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो आपका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। मान लो इसका जो हाइफा है, ठीक है, ये कोई हाइफा है, हाइफी है, वो टूट गया, ठीक है, अलग हो गया, तो ये भी क्या कर लेगा? न्यू मशरूम का जो भाग है वो जनरेट कर लेगा, या प्लांट का जनरेट कर लेगा आपका, न्यू मशरूम फंगस का जनरेट कर लेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन क्या रहता है? एब्सेंट रहता है आपका एग्रीकल्स में। लेकिन ये इसके बावजूद भी इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? सोमेटोग्रेमी के द्वारा होता है। सोमेटोग्रेमी में क्या लेते हैं? दो हाइफा लेते हैं आपके, एक होता है प्लस हाइफा, एक होता है माइनस हाइफा, यानी दो मोनोकैरियोटिक हाइफा रहेंगे, एक में प्लस हाइफा रहेगा, एक में माइनस हाइफा, दोनों आपस में जुड़कर फिर ये दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर ये दो न्यूक्लियस जो है फिर से अपना दो न्यूक्लियस फॉर्म करेगा और आपस में कनेक्ट करके डाइकैरियोटिक हाइफा का निर्माण करेगा, ये इस टाइप का निर्माण करेगा आपस में बनकर। तो फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफा वाज क्लब कनेक्शन। फिर जब कनेक्शन जो डाइकैरियोटिक हाइफा का निर्माण हो जाएगा, फिर डाइकैरियोटिक हाइफा के निर्माण के पश्चात क्या होगा? वो बेसिडियो कार्प का निर्माण करेगा आपका डाइकैरियोटिक हाइफा। देखो ये जैसे इस टाइप का बटन है, इसमें हाइफा का निर्माण हो जाएगा बटन का। उसके बाद यह स्ट्रिप बनाएगा आपका, प्री लैमिनर चैम्बर बना लेगा यही वाला जो आगे चैप्टर, फिर ये डेवलपिंग पाइल्स कर लेगा और गिल्स का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियो कार्प का निर्माण हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका जो रहता है आप किसी भी मशरूम को देखो तो उस साइड का निर्माण कर लेगा। फिर अब ये जो बेसिडियो जो कार्प है उसकी डेवलपमेंट के पश्चात इसी में क्या होगा, इसकी इस वाले झील वाले भाग में आपका किसका निर्माण होगा? बेसिडियो स्पोर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बेसिडियो स्पोर का। तो देख लो, तो पहले ये जो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस देखिए, इसमें डाय
निर्माण कर लेगा। आगे इसका लाइफ साइकिल देखते हैं, समरी देख लेते हैं लाइफ साइकिल का। आपका एग्रीकल्चर की लाइफ साइकिल का जो सेक्टर रिप्रोडक्शन का उसका समरी देखते हैं कैसे क्या होता है। पहले जो है डाइकैरियोटिक सेल से क्या बनता है, बेसिडोकार्प, और बेसिडोकार्प से आपका क्या बनता है, बेसिडोस्पोर। और बेसिडोस्पोर से फिर यंग क्या बनता है, आपका मशरूम तैयार हो जाता है। वैसे ही देखो सबसे पहले ए वाले इसमें क्या रहेगा, ये आपका मशरूम है, मशरूम के जो गिल्स से गिल्स बेल्स निकलेंगे, ठीक है, स्ट्रिप है आपके। तो यहाँ पर क्या रहेगा, बेसिडिया और बेसिडोस्पोर लगे रहेगा। तो एक बेसिडिया को निकालेंगे तो उसमें सिर्फ क्या कहता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस फॉर्म होगा, एक से दो बन जाएंगे। यहाँ पर भी जो मियोसिस ड्रिवन होगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो है बेसिडियोस्पोर, देखो यहाँ पर फोर न्यूक्लियस हुआ और उस फोर न्यूक्लियस से भी यहाँ पर स्टेरिक मैटर का निर्माण होगा। फिर क्या उसमें क्या करेगा, बेसिडियोस्पोर फिर धीरे धीरे निर्माण होते जाएगा। जैसे ए वाले भाग में ये हुआ, बी में ये होगा, सी में इस टाइप का होगा, कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होगी। सी डी बटन बनाएंगे, और बटन बनाने के बाद किसी में क्या है, गिल चैम्बर का निर्माण होगा। और गिल चैम्बर के निर्माण के पश्चात इसमें ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से एक मशरूम में फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलेगा आपका एग्रीकल्चर का।